हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। आई होप आपने सिलॉगिज्म का पार्ट वन वीडियो देखी होगी, जहां हमने ऑल केसेस के बारे में बताया है। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि सिलॉग्स में टोटल करंट में 6 केसेस या 6 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कहने कह सकते हैं, वो इस समय ट्रेंडिंग में हैं, जिसमें कि एक होता है ऑल ARB, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे उसी का सेकेंड ट्रेंडिंग सेंटेंस या स्टेटमेंट, सम ARB एंड सम BRC। इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नो ARB, जो कि थर्ड होता है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट एक आता है इंपॉर्टेंट, सम AR नॉट बी। इसके अलावा रिसेंट ट्रेंडिंग ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर्स स्पेशली, या लास्ट 4 to 5 एग्जाम्स ऑफ बैंक, हम कह सकते हैं बैंक के पिछले 4 से 5 एग्जाम में एक ओनली अ फ्यू एंड ओनली ARB, ये दो नए केसेस भी आए हैं। उनके बारे में भी हम पूरा थ्योरी पार्ट उनका पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, और कोई डाउट हो तो उसको नीचे कमेंट में मेंशन करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है सम ARB। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सम कुछ ए का कुछ हिस्सा बी है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमने ए लिख लिया। और ए का कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट के लिए दो इंटरसेक्टिंग सर्किट हमने बना दिए, और ये कुछ पार्ट ऐसा है जो सम ARB, जो ए का वो हिस्सा जो बी भी है। ठीक, तो कौन कौन से कंक्लूजन इस स्टेटमेंट में सही होंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहला कंक्लूजन है ऑल ARB, बिल्कुल भी ये कंक्लूजन हमारा सही नहीं होगा। ऑल ARB गलत कंक्लूजन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ ए ही बी हो सकते हैं। जब कुछ ए बी हैं तो पूरे का पूरा ए बी नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। सिमिलरली, अच्छा एक स्टेटमेंट एक लाइन और थी, सम BRC, ये बनाना हम भूल ही गए, तो ये माफ कीजिएगा उसके लिए। तो आगे देखिए, तो ये बना देते हैं सम BRC, ये भी बन गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन है, सेकेंड कंक्लूजन, ऑल BRC, क्या पूरा बी सी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बी का कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो सी है, तो पूरा बी का सी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर थर्ड कंक्लूजन है ऑल ARC, अब देखिए ए इधर है सी इधर है, हमको तो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं पता है, तो जब कोई रिलेशन पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल ARC होगा कि सम ARC होगा या क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, तो ये सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जब भी कोई ऐसी दो कंक्लूजन में ऐसे दो एलिमेंट्स का जिक्र आए या ऐसे दो एलिमेंट्स लिखे हो जिनका आपस में कोई रिलेशन आपको दिखाई ना पड़ रहा हो सामने से, तो कभी भी उसके कंक्लूजन सही नहीं होते हैं। फिर आता है सम AR नॉट B, क्या कुछ ए बी नहीं है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑल एंड सम, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो तो उसमें एक भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे एक भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा, तो इसलिए सम AR नॉट B, कुछ ए बी नहीं है। देखने में सही है कि कुछ ए का ये हिस्सा बी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में सिलॉग्स में जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत ही होते हैं, तो इसलिए ये तीनों ही स्टेट हमारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, कुछ और कंक्लूजन्स जो इन्हीं स्टेटमेंट्स पे बेस्ड अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बना देते हैं, सम ARB, सम BRC। अब आते हैं, ये हमने पिछले केस में पढ़ा, ये था डेफिनेट कंक्लूजन जो होंगे, मतलब है या नहीं, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो हमने पढ़ लिया, तो हमको ये समझ में आ गया कि सम के केस में सिर्फ सम ही एक ऐसा कंक्लूजन है कि सम ARB, सम BRC में बस एक यही लग सकता है, इसके अलावा सारे कंक्लूजन इसमें गलत होते हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसके बाद कुछ इसी स्टेटमेंट के पॉसिबिलिटी केसेस को। तो हमने ड्रॉ कर रखा था पहले से ही सम ARB एंड सम BRC। तो अब आते पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, क्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए, एक पॉजिटिव केस, जब भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए जाएं तो उसमें सारी की सारी सभी प्रकार की पॉसिबिलिटी,
पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो या निगेटिव पॉसिबिलिटी हो, वो सबकी सब पूरी सही होती हैं। बस हमको यह याद रखना है कि जो पॉसिबिलिटी दी गई है कहीं वो डेफिनेट केस तो नहीं है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका पहला कंक्लूजन है, ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा ए बी होने की संभावना है? बिल्कुल है, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। और इसके अलावा ऑल ए इज बी ये कभी डेफिनेट केस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है सम ए इज बी है। तो जब डेफिनेट में नहीं हो सकता है तो इसकी संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर डेफिनेट केस नहीं हो सकता। और डेफिनेट केस और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस यही है कि वहां पे इज अ पॉसिबिलिटी, मे बी, माइट बी इस तरह नहीं लिखा होता, वहां एकदम परफेक्ट लिखा होता ऑल ए इज बी, सारा ए बी है। तो हमको बिल्कुल देख पा सकते हैं कि हम सारा ए बी नहीं है, सारा ए बी नहीं है, लेकिन सारे ए की बी होने की संभावना जरूर है। तो इसलिए जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टाइम्स सही ही होती हैं। कुछ पॉसिबिलिटी जो अक्सर एग्जाम्स में बच्चे गलत कर देते हैं, पेपर्स में भी पूछ ली जाती हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती हैं, वो डेफिनेट केस होते हैं, जैसे हम जल्दी में पहचान नहीं पाते और वहां जाके उसे गलत कराते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ऑल ए इज बी बिल्कुल सही होगी। फिर देखिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी ऑल ए इज नॉट बी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में नेगेटिव कंक्लूजन जो डेफिनेट केसेस में हो वो गलत होते हैं, लेकिन ऐसे कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में दिए जाते हैं अगर वो नेगेटिव भी हैं तब भी वो सही माने जाते हैं। इस पॉइंट को फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उसके कंक्लूजन में अगर डेफिनेट केस जैसे कि ऑल ए इज नॉट बी लिखा हुआ सिर्फ इतना हो तो वो हमेशा ही गलत होगा, लेकिन ऑल ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी जब उसके आगे इज अ पॉसिबिलिटी जुड़ जाए, या मे भी लिखा हो या माइट भी लिखा हो या ऐसा कुछ भी हो जिससे कि पॉसिबिलिटी का आपको पता चले, तो वो हमेशा सही होता है। तो इसलिए हमारा सेकेंड रूप कंक्लूजन भी सही हो गया। फिर थर्ड है ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए क्या पूरे ए की सी होने की संभावना है? अगर डेफिनेट केस में हम देखें तो हमको तो ये पता है कि ए से सी का कोई रिलेशन ही नहीं है, और जहां जब भी ऐसा कुछ भी हो नो रिलेशन हो तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी केसेस में एकदम परफेक्ट हो जाता है। नो रिलेशन इज इक्वल टू ऑल पॉसिबिलिटी। नॉन रिलेशन कभी भी अगर दिया गया है तो वहां सारी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव निगेटिव कैसी भी हो सब सही मानी जाएंगी, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। फिर ये वाला फिर है ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा बी सी पॉसिबिलिटी होगी, बिल्कुल सही होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है या नेगेटिव पॉसिबिलिटी कैसी भी हो, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो सारी ही पॉसिबिलिटी सही होती हैं। फिर नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, बिल्कुल सही है, और एक ही कारण है उसका कि स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव दिए गए हैं, तो इसलिए उसमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो या नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। इसलिए बची हुई तीन पॉसिबिलिटी जैसे कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी भी सही होगा। कंक्लूजन नंबर सिक्स, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, तो बेसिकली यही वाला हिस्सा होगा जो बी सी नहीं होगा वो भी एकदम होगा होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हमारा सही होगा। तो आपको जो इसमें मेन जो चीज समझनी थी वो यही था कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखे हों ऑल ए आर बी या सम ए आर बी, ये ऑल और सम यही दो ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें केसेस अगर डेफिनेट दिए गए हैं वो नेगेटिव हैं तो वो गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दी गई है तो वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो चाहे वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हमेशा की हमेशा सही होगी। ऑलवेज ट्रुथ इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑल द पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स, वेदर इट इज अ ट्रू, वेदर इट इज अ फॉल्स, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, ऑल द पॉसिबिलिटी आर ऑलवेज राइट। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो उसको वीडियो को पॉज करें, फिर से एक बार देखें, बार बार देखें, इस चीज को समझने की कोशिश करें, जिससे कि जब हम नेक्स्ट अपना 100 सिलॉग्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करें तो आपको बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जब आप 100 क्वेश्चन करेंगे उस सिलॉग्स के, उसके बाद आपको एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम देने में एकदम कोई प्रॉब्लम सिलॉग्स के सेक्शन में नहीं आएगी। और सिलॉगिज्म अक्सर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 से 5 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फैला दें, शेयर कर दें, और जो भी हो आपका जैसा भी रिव्यू हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और आपकी सभी कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयत्न या प्रयास मैं करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।